चलिए दोस्तों, एक और सवाल लगाते हैं। ये आपके सामने देख रहे हैं, एक फ्लूट्स का प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसके वर्डिंग्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइट आयरन क्यूब है, ठीक है, उसका साइड लेंथ एल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, इसका साइड लेंथ एल है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये वाटर का लेवल टच कर रहा है, तो आप ये नीचे जो लेवल देख रहे हैं ये लेवल वाटर का लेवल है, ठीक है। तो हम अब इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं और जो वाटर लेवल है दोस्तों वो स्टडी स्पीड यू से ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये रिटर्न है कि ये स्पीड बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो हमें इन सब कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आई विल कम बैक टू ये स्मॉल और ये स्टडी स्पीड का क्या मतलब है। फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं। हाउ विल द स्पीड ऑफ आयरन क्यूब विल वेरी विद टाइम टी। अब हमें ये निकालना है कि क्यूब का जो स्पीड है वो कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है हम लोगों को रो डब्ल्यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ये स्मॉल एंड स्टडी स्पीड का क्या मतलब है। स्टडी स्पीड का तो सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि वो कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है लेवल, ठीक है। अब ये स्मॉल वर्ड का क्या इम्प्लीकेशन है। अब स्मॉल वर्ड का इम्प्लीकेशन ये है दोस्तों कि जब लेवल थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, ठीक है, मान लीजिए लेवल ऊपर जाता है, dy से, ठीक है। अब मान लीजिए ये dy से ऊपर गया लेवल, ओके। तो अब इसका जो रिएक्शन होगा दोस्तों क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेगा थोड़ा सा, राइट। मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ डी एल लेंथ से ऊपर गया, ऑल राइट। अब ये स्मॉल का इम्प्लीकेशन ये है दोस्तों कि जो भी अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, ठीक है, तो आपने इसको इनफ टाइम दिया है वो सब फोर्सेस एडजस्ट होने के लिए, और फिर वापस जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियसली। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक, इसको हम इनफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि वो एक स्पीड से ऊपर चलता जाए। लाइक फॉर एग्जांपल ये डीवाई से ऊपर जाएगा, इसका रिएक्शन कुछ अनबैलेंस फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा वेट किया, इसको स्टडी स्टेट में आने दिया, उसके बाद हमने फिर से वाटर लेवल ऐड किया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि हमें ये जो डीवाई का जो रिएक्शन है वो डीएल है, ठीक है, और डीवाई बाई डी टी हमको गिवन है, हम लोगों को डीएल बाई डी टी निकालना है, ऑलराइट। तो जो फोर्सेस हैं एट एवरी पॉइंट, जो भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस रहेंगे, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन है दोस्तों स्मॉल वर्ड का यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए ये वाटर लेवल डीवाई ऊपर जाता है दोस्तों, और ये ब्लॉक ऊपर डीएल जाता है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा। स्प्रिंग फोर्स यहां पर होगा के टाइम्स डीएल, ठीक है। डीएल लेंथ जो है स्प्रिंग कंप्रेस हो गई फर्दर, ओके। और यहां पर जो बोयन फोर्स है वो कितना हुआ, बोयन फोर्स आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो डब्ल्यू, फिर उसके बाद एल स्क्वायर इंटू डी वाई। मैं सिर्फ यहां पर अनबैलेंस फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए ये ऑलरेडी इतना लेवल वाटर का बढ़ चुका था, ठीक है। इस लेवल पे बढ़ते बढ़ते हमने इसको इनफ टाइम दिया है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो उस लेवल तक सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने डीवाई लेंथ का वाटर लेवल ऊपर किया जिसके रिस्पांस में डीएल लेंथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑलरेडी जीरो थे, तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स जो आएंगे वो कंसिडर करूंगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होंगे, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएंगे वो भी आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्पीड से जा रहा है ऊपर, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ओके।
तो अब जो है हम यहाँ पर अच्छा एक और चीज, ये बुएंट फोर्स दोस्तों ये dy माइनस dl है, ठीक है, क्योंकि dy तो सिर्फ वाटर का लेवल ऊपर गया, राइट, वाटर का लेवल ऊपर गया dy से, अब ब्लॉक भी तो ऊपर जा रहा है dl, ठीक है, तो हमें देखना है कि कितना एक्स्ट्रा सबमर्ज हुआ वो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सबमर्ज होने के लिए हमको जो एक्स्ट्रा लेंथ है और एक्स्ट्रा हाइट है वो देखनी पड़ेगी। तो dy वाटर लेवल ऊपर गया और dl तो वो खुद ही ऊपर चला गया, तो dy माइनस dl एक्स्ट्रा वो वाटर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो बोयंट फोर्स तो ऊपर की तरफ है और स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस हो रही है तो उसका फोर्स जो है नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है बैलेंस रहेंगे, इसलिए दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इस तरह से इक्वेट कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे डीएल और डीवाई नहीं मालूम है, बट डीवाई बाई डीटी पता है और डीएल बाई डीटी मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं डीटी से, ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई जो ब्लॉक की स्पीड है वो वी है, डीवाई बाई डीटी तो हमें गिवन है यू, ऑलराइट, तो के इंटू वी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू एल स्क्वायर जी, डीवाई बाई डीटी आपका यू है, माइनस वी, ऑलराइट। अब यहां पर मैं थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज कर लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा के वी प्लस रो डब्ल्यू एल स्क्वायर जी इंटू वी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू एल स्क्वायर जी इंटू यू, तो आपका जो वेलोसिटी आ जाएगा रो डब्ल्यू एल स्क्वायर जी टाइम्स यू डिवाइडेड बाई के प्लस रो डब्ल्यू एल स्क्वायर जी, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, ये आप एट प्रेजेंट आपको लग रहा होगा कि ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है हो क्या रहा है कि आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल हम उसको इनफ टाइम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और फिर हम एक एक्स्ट्रा स्मॉल वाटर एलिमेंट डालते हैं जिसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर जाता है और उसकी रिएक्शन की वजह से वेलोसिटी आती है, ठीक है, तो जो डीवाई का रिएक्शन है वो क्रिएट कर रहा है वेलोसिटी और वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हर एक डीवाई जो है एलिमेंट सेम काइंड ऑफ रिएक्शन देगा, क्योंकि डीवाई होने के पहले, डीवाई एलिमेंट वाटर आने के पहले सारे फोर्सेस इक्वल टू जीरो थे, ठीक है। अब आप एक और चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भाई आप इसमें पानी डालते जाएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि स्प्रिंग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद जो है वाटर इसको पूरी तरह अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और एक बार ब्लॉक अपने अंदर वाटर के अंदर आ गया दोस्तों कंप्लीटली, ओके, और जो है स्प्रिंग फोर्स ने और जो बुआइंट फोर्स है दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, उस मोमेंट के बाद आप कितना भी वाटर इसमें डालिएगा, ठीक है, आप कितना भी वाटर इसमें डालो आपका जो बुआइंट फोर्स है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो तो उसका ओन वॉल्यूम है जो वो डिस्प्लेस करेगा वाटर का, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी है ब्लॉक के ऊपर जाने की वो जीरो हो जाएगी, तो हमको बस वो टाइम निकालना है कितने टाइम के बाद ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी या फिर जो ब्लॉक है वो पूरी तरह सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलरेडी आ चुकी है जिससे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और एक वेलोसिटी आपकी वाटर लेवल की है वो आपकी यू गिवन है और ये आपकी वेलोसिटी वी है, तो आप वो टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी वाटर लेवल की है वो यू माइनस वी है, ठीक है, तो यू माइनस वी इंटू टी ये जब एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद से जो है ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो टी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई यू माइनस वी, इस टाइम के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये सवाल जो है लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है आपने इसमें काफी कुछ चीजें सीखी होंगी, कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखी होंगी तो एटलीस्ट ये आपने जरूर गौर किया होगा कि छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम्स में होती हैं, एक एक वर्ड जो है
जो है पूरा जो सॉल्यूशन है उसको बदल देता है। तो इस सवाल से हम लोगों को ये सीखने को मिला है दोस्तों कि हर एक वर्ड पे आप गौर से जो है उसको उसके बारे में सोचना है और बिल्कुल भी हरी अप नहीं करना है। एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी सवाल की तो आप उसको डिटेल में उसको सॉल्व करिए, ठीक है? तो इस तरह से आप ये सवाल लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।